राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इनके जवाब लेने का आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो समझेंगे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के जवाब न देने पर केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये तो केंद्र के शासित हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इस मामले पर 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में हुई। सेंटर में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला माइनॉरिटी है, इसको आज तक डिसाइड नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है माइनॉरिटी के नाम पे, राज्य सरकारें भी माइनॉरिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ना तो माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन किया गया है, ना तो माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब दाखिल नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड ने उत्तर दाखिल नहीं किया है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों से जवाब आए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से SNR एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। इसी तरीके से तेलंगाना ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है, राजस्थान ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, अरुणाचल ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कश्मीर ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया, जहां हिंदू केवल 2% है, उनका जेनोसाइड होता रहा है, हिंदू होने के कारण उनका मर्डर हुआ है, हिंदू होने के कारण उनके घर लूटे गए हैं, हिंदू होने के कारण उनको पलायन करना पड़ा। तो सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो कश्मीर के हिंदुओं को है, लेकिन कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज तक उस पर जवाब नहीं दिया है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि लेकिन जम्मू कश्मीर अभी आपके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, आपकी अपनी सरकारें फाइल क्यों नहीं कर रही हैं? जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप में आपका शासन है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था मामले में 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जवाब उसे मिला है। केंद्र सरकार ने बताया कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर राज्य सरकार एकमत नहीं है। केंद्र ने कहा अधिकतर राज्यों ने अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार राज्यों के पास रहने की बात कही। उत्तराखंड का सुझाव है कि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए। बंगाल सरकार ने कहा कि किसी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों से पलायन कर दिल्ली में रह रहे हैं, उनको केंद्र सरकार प्रवासी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर तथा लक्षद्वीप के सुझाव का इंतजार है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।